क्या करेंगे? देखा देखा देखा, रमाकांत लेट आए तो सर कुछ भी नहीं बोलते, वो मैं लेटा तो गाली देते रहते देते रहते। आ गए रमाकांत, आ गए। अरे सर, हां बस 2 मिनट का था, ट्रैफिक क्लियर हो गया था, आता ही होगा। और 2 मिनट बैठिए साहब, बोल तू बोल। एक काम करते हैं, तब तक नाटक का परिचय दे देते, तब तक आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, वो भी देखते हैं। सुधीर प्रेक्षकों प्रणाम, आज हम आपके सामने हमारा नया नाटक का ड्रेस रिहर्सल प्रस्तुत करने जा रहे थे। मुंशी प्रेमचंद, हाँ मुंशी प्रेमचंद जी की 2 नगर कथाएं सद्गति और कफन के आधार पर है यह नाटक, और इस नाटक का नाम है एक शाम प्रेमचंद के नाम। तो आइए देखते हैं आज का नया नाटक का ड्रेस रिहर्सल। आजा आजा आजा, और देवता साते दीप नौखंड, कहाँ कबीरा सब भोगिया, देह धरे को गंड तंदा। सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो। बहुत अच्छी बात है, मैं तो आप लोगों के बात ही बोलना चाहता हूँ। दरअसल मुझे गलत फहमी थी कि आप लोग अपने बारे में सुनना नहीं चाहते। आप लोगों के बारे में बहुत सारे लेखक बहुत सारे कथाएं लिखे, उनमें से मेरा पसंदीदा लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अन्ना, ये मुंशी प्रेमचंद कहाँ का रहने वाला है ना? मुंशी प्रेमचंद सन 1880 31 जुलाई को वो वाराणसी में जन्मे थे भैया। ओ भैया, वो वाराणसी में रहने वाले को हमारे बारे में क्या मालूम? भैया वही तो उनका खूबी है, उनके कथा पढ़ के ऐसा लगता है कि अपना देश का हर एक गांव का कथा, जैसे हर एक गांव वालों के साथ उनका गहरा रिश्ता था। आज मैं उन्हीं की 2 लघु कथाएं सद्गति और कफन दोनों को जोड़ के आपको सुनाऊंगा। सुनाओ। तो सुन रे भैया प्यारे भैया प्रेमचंद का था। माँ तो जन्म देते हुए चली गई,
लेकिन तेरी जैसे नहीं चिल्लाएगी, हाँ नहीं चिल्लाएगी, चुप कर। सुनाई दिया आपको? नहीं सुनाई दिया? हाँ तो ठीक, हाँ सुनाई दिया ना। ये तो गिसु काका के घर से आ रहा है, जाके पता कर दो हुआ क्या। का करूं काका? ओ काका कौन है बाबा? काका माइक काका सुनो काका, सब ठीक ठाक तो है काका? आप ठीक ठाक है रे बाबा, देख मधु की जोरू बच्चे के जन्म देने वाली है। ओ जो रही है काका, ये माधव कहाँ गया? ये दाई को लाने गए क्या? दाई को लाने गए क्या? घर में एक पोटी खोड़ी नहीं है, दाई को लाने जाते। कहाँ से दाई लाते रे बाबा? काका काका क्या बोला? काका क्या बोला? दाई को लाने गए। और रे सीनो? हाँ काका। तेरे को तो सरकारी नौकरी लग गई ना? खा की नौकरी काका, खा की नौकरी शमशान घाट में, शमशान घाट में मुर्दा जलाने की नौकरी। बोलो ये भी एक नौकरी क्या? बोलो काका बोलो, ये भी नौकरी है क्या? बोलो की आखिरी में तनख्वाह तो मिलती है ना? हाँ मिलती है काका, मिलती है। चुप कर काका, बेचारी तरस से तड़प रही है काका। क्या करूँ, बोल क्या करूँ मैं काका? इंसान का तकलीफ का अंत नहीं है गगा, नहीं है। तकलीफ का अंत नहीं है। माँ तेरे पास 50 रुपए है तो देना ना। गगा ये महीने की आखिरी है, मेरे पास नहीं है गगा, नहीं है। नहीं, मेरे लिए नहीं, तो बच्चे के जन्म दिया तो तेल सब चाहिए ना। नहीं देना, 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 देना। नहीं है मेरे पास, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जा रहा हूँ, कुछ काम है तो भुला देना। अरे अरे सुनो बोलो एक बीड़ी है तो देना। बीड़ी? हाँ बीड़ी तो है काका, बीड़ी है। मैं बीड़ी दे दूँ और ये माचिस भी लो, ले लो काका। मैं तो जाता हूँ, चल रहा हूँ। 50 रुपये तो नहीं दिया उसके पास है, वो नहीं दिया मेरे को मालूम है, वो नहीं दिया। ओशार ए गिसल, घर में चैन? हाँ नहीं तो क्या, ने चोरी करने निकला क्या? चिल्लाता कह को ओशार पड़े। अरे आजकल सब्जी चुराना भी मुश्किल हो गए। बाबू बच्चे पैदा हो तो मूर्ति और गर्म पानी का जरूरत है बाबू। वो तो बात की बात है, इस तरह क्या मिला रे? 3 आलू मिला, सिर्फ 3 आलू? जा उबाल के ला। हाँ उबाल के ला। हाँ 2 दिन से भूखा हूँ ना, जल्दी जा। और सुन, क्या दो मेरा एक तेरा? क्या? हाँ तुम्हारा दो गए क्यों बाबू? बिचारी को एक देना ना। और ये हालत में वो क्या खाते थे? नहीं खाते। जा 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 जा। हाँ रे माधव, माधव तेरे बाप से तेरी जोरू बड़ी है क्या? अरे हौले, जोरू मारे तो जोरू मिलती, बाप मारे तो मिलता क्या? हाँ ए ए उबल उबल जल्दी उबल जल्दी उबल जल्दी उबल 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 जल्दी उबल। हाय 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 हाय
चला है उसकी हिम्मत देखा, वो कुसुम के घर में सेंध लगा है और तू तीन आलू चुराने के लिए गए। सवेरे किसी मरे हुए का मुंह देखना बहुत ही शुभ होता दोरा, और वो भी औरत का।
और आज शाम को आपको चुनाव का टिकट भी मिलने वाला है ना। समझा, चल चल जाके लेके चल चल। वो तो रहा, मैं जाके देखता हूँ। आप क्यों जा जल्दी फटोरे। कैसा है रे? फर्स्ट क्लास है दोरा। सुनो, आज शाम को मेरे को पार्टी का टिकट मिलने वाला है। अगर टिकट मिल गया ये क्रियाक्रम का बंदोबस्त मैं शाम तक कर दूंगा। चल रे, चल शाम तक। ओ काका, ये दोरा तो पैसे देने वाला नहीं है। तुम दोनों एक काम करो, बाजार चले जाओ, लोग मुर्दे के नाम पे भीख देते हैं। और कुछ इंतजाम हुआ तो हमारे को बुला लेना भैया। चलो जाएंगे, चलो 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 चलो। दोनों बाजार गए मुर्दे के नाम पे भीख मांगने के लिए। उसी दिन सीतापुर गांव के बाजू धर्मपुर गांव में भूखी जमा कर घर। अरे बाप, ठीक से किया कि नहीं बिटवा? अम्मा धन्ना नहीं है। अम्मा कहाँ गई रे? बाजू घर में खेलने गई। कितनी बार मना किया बाजू घर में नहीं जाना बोल के, तू काम जल्दी जल्दी। हाँ हो रहा अम्मा। बुदा? हाँ अम्मा। तेरे बापू अभी तक नहीं आए? बापू घास काटने गए अम्मा। 3 दिन से बुखार था, कितनी बार मना किया नहीं जाने के लिए, फिर भी नहीं। अरे सुन तो, अजी खेत को जाना जरूरी था। क्या करूं, वो पंतुल के पास तो जाना ही है ना। खाली हाथ कैसे जाऊं? खाली हाथ गए तो वो पंतुल आता क्या? नहीं आता जी, नहीं आता। अच्छा बुढ़ा की माँ, वो पंतुल आए तो तू किस पे बिठा थी? किस पे बिठाने का क्या है, अपने पास वो खटिया है ना पुरानी। क्या बुढ़ा? हाँ बापू, तू उसको साफ कर दे। हाँ ठीक है, साफ कर दो ना। क्या वो खटिया पे? कायकू जी ऐसा हंस रहे हैं? बुढ़ा की माँ, तू भूल गई क्या, हम चमार जात के हैं। बुढ़ा। हाँ माँ। तू एक काम कर, हाँ जल्दी जल्दी दोरा के घर चले जा। हाँ माँ। जाके वहाँ से खटिया मांगे लेके। हाँ ठीक है, हम भी जाते हैं। ए रुक 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 रुक। क्या बुढ़ा का दोरा अपने को ये खटिया देता? नहीं देता, नहीं देता। बुधा ने तो एक काम करा। हाँ तू जंगल चला जा, ठीक है माँ। वहाँ से जाके बड़े बड़े पत्ते तोड़ के लेके आ। मैं इसको अच्छा सीखे यहाँ पे ऐसा बिछा देती हूँ, कैसा रहता जी? हाँ हाँ ठीक है, मगर उसको सीधा भी देना है। सीधे में क्या क्या देना पड़ता? सीधे में क्या क्या देना है वो भी नहीं मालूम। सुन, 1 सेर आटा, 2 सेर चावल, आधा सेर दाल, 1/4 सेर इमली, मिर्ची, नमक, इतने सारे चीजें। और है बेटा, और है 2 दर्जन केले, 4 नारियल, 6 सेब। मैं कभी सेब नहीं खाई। धनु की माँ, मैं खाया क्या? मैं भी नहीं खाया। अपनी बेटी की शादी का अच्छी मुहूर्त निकालना बोले तो ये सब चीजा देना ही पड़ता है। तू एक काम कर, बुधा को लेके बाजार जा, बाजार जाके पूरा सामान खरीद के लेके आ, मैं वो पंतुल को बुला के लेके आता हूँ। बुधा उठा। अजी सुनो। फिर क्या हुआ? अंदा बुदा गया तो नहीं होता। बुदा? हाँ। बुदा गए तो पंतुल आता क्या? नहीं आता, नहीं आता। अजी सुनो। अरे फिर क्या हुआ? जरा खाना खा के तो भी जाओ। हाँ हाँ मैं आके खाऊंगा। अजी सुनो, 3 दिन से बुखार है, जरा संभाल के। बुदा चल बाजार जाएंगे। ठीक है माँ। बाजार, बाजार में कई तरह के लोग आते हैं, अमीर आते हैं, गरीब आते हैं, दलाल आते हैं, भिखारी भी आते हैं। बाजार का कोई धर्म कोई जात नहीं है।
जैसे कि मैंने पहले कहा था कि दोनों गांव के बीच में एक बाजार है। किशु और माधव गए मुर्दे के नाम पे भीख मांगने के लिए। उसी बाजार में जूरा और बुधा भी गए सीता का सामान खरीदने। ठीक मांगना भी नहीं आता, देख कैसे मांगना है। अरे सुनती हो, ओम जवाब तुम शंकाशन कश्यमी। अरे सुनती हो, ओम जवाब तुम शंकाशन हो। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या है जी, सुबह हो गई, कई को पुकारे? अरे वो हरी को घास लेके आने के लिए बोला था, लेके आया? मेरे को क्या मालूम हरी को घास लाने बोलेगी और रामू को क्या बोलेगी। मेरे को घर में बहुत काम है, मैं बुला को पुकारो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अरे हर काम मुझे ही देखना पड़ता है, क्या करूं? अरे घर में तरकारी नहीं है, क्या तो भी पकाऊं तो भी। अरे कहां तो भी गए, अरे अंदर घुस गए घर के अंदर, बन गए क्या? अरे नहीं नहीं, बोलो क्या बात है? अरे क्या है जी, मैं क्या पकाऊं, तरकारी कुछ भी नहीं है घर में। अरे कृष्णा को बोला था मैंने तरकारी लेके आने के लिए, नहीं लेके आया? हां बड़ा कृष्णा लेके आता, मेरे को नहीं मालूम जी, तरकारी अगर लाया तो मैं खाना बनाती, नहीं बोलता मैं चली मायके। क्या 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 मायके? अरे परसों जाके आना मायके। हाँ जी हमारी माँ बीमार है। अरे परसों बोली थी ना मेरी माँ बीमार है, क्या? हाँ जी परसों बीमार है, आज बीमार रहती, कल भी बीमार रहती, मैं जा रही हूँ मायके, कोई भी नहीं रोक सकता। राम 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 राम, हर बात में मायके, हर बात में मायके, मैं तो बस होगा तंग आ गए मैं। गुरुजी गुरुजी, अरे मेरी वाला सेना। अरे कृष्णा मैंने तेरे को सवेरे ही तरकारी लाने के लिए बोला था, क्यों देर कर दी? दे दिया गुरु जी, दे दिया। प्रभाकर चावल कहाँ है? करने क्या तो फिर कल ही आना था, आज क्यों आया? बेटा प्रवीण तेरे को क्या बोला था मैंने लेके आने के लिए? तेल लाने को बोले गुरु जी। कहाँ है तेल? बापू शाम में लेके आता बोला। आज मैं तुमको दो के पहाड़े सिखाऊंगा। हाँ गुरु जी, दो के पहाड़े कल ही सिखा दिया ना। तेल लेके आया? नहीं। कहाँ से आते तीन के पहाड़े? दो के ही सिखाऊंगा मैं। बोलो दो एकम दो, दो दुने चार, दो एकम दो, दो दुने चार, दो तीन छः, दो चार आठ, दो तीन छः, दो चार आठ, दो पाँच दस, दो छः बारह, दो पाँच दस, दो छः बारह। रमाकर गुरुजी क्या है? हाँ क्या सोने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया? तो बोल दो तीन कितना बोल? चार चार चार। बस तू यही रहेगा बेटा कृष्णा। बोलो दो तीन कितना बोलो?
कृष्णा बोलो चे 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 देखा 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 वो बहुत आगे जाएगा वो कलेक्टर बनेगा हाँ तुम बस यहीं रहोगे ना चावल लेके आओ ना तेल लेके आओ बस तुम यहीं रहोगे चलो आज की पढ़ाई खत्म सुनो सुनो याद है ना तेल और चावल लेके आना संभल के जाना महाराज तू कौन है रे मैंने तो हरी को बोला था घास लेके आने के लिए तू कौन है महाराज मैं दुखी चमार हूँ महाराज दुखी चमार हाँ महाराज क्यों घास लेके आया महाराज मेरी बेटी का शादी का मुहूर्त निकालने का है महाराज आहा बेटी का शादी का मुहूर्त निकालना है हाँ महाराज कब निकालना है आज महाराज आज हाँ नहीं 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 आज मेरे पास समय नहीं है ए, ए, क्या कर रहा वो गाय को चारा था अरे पूरा साफ सफाई करो महाराज महाराज सीधा का बंदोबस्त करके आया हूँ महाराज क्या हाँ महाराज का बंदोबस्त करके आया हाँ दक्षिणा भी तैयार है महाराज दक्षिणा भी तैयार है हाँ महाराज ठीक है तो एक काम कर एक घास लेके गाय देख वो गाय को चारा डाल दे और सुन वह एक झाड़ू है देख वो झाड़ू ले और पूरा आंगन झाड़ दे क्या कहे महाराज ठीक महाराज 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 क्या हुआ रे इन्हें बहुत रो रहा है महाराज कही तू इसकी जोरू मर गए महाराज अरे जोरू मर गए तो रोता क्या अरे बेटा शास्त्र में कहा है वासांसी जिन तुम लोगों को तो नहीं आता नहीं आता ठीक है मैं समझाता हूँ अगर मकान पुराना हो गए तो क्या करते नया बनाते अगर कपड़े पुराने हो गए तो नया सिलाते वैसे ही अगर शरीर पुराना हो गया तो और एक शरीर लेके आओ समझे नहीं अरे दूसरी शादी कर जा मैंने तीन तीन शादी की हाँ क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं कुछ नहीं जाओ 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 मेरी दक्षिणा दक्षिणा यहाँ महाराज झाड़ू मारना हो गया महाराज अब जाएंगे महाराज हो गया हाँ महाराज अरे नहीं नहीं ये देख सूरज पूरा ऊपर आया हुआ है यह काल राहु काल होता है इस काल में कोई काम नहीं करना चाहिए तू एक काम कर ये जो लकड़ी का बोतला है ना उसके बारीक बारीक टुकड़े करते हाँ बस मैं अभी गया और अभी आया महाराज ये लकड़ी काटने तक देर होती महाराज नहीं रे बाबा ये राहु काल है नहीं नहीं तू पहले लकड़ी काट बस मैं अभी आया ठीक है महाराज महाराज जल्दी तैयार हो जाओ महाराज अरे काका यहाँ लकड़ी काट रहा ओ काका काका क्या कर रहे काका दिख रहा नहीं रे लकड़ी काट रहा हूँ देख रहा देख रहा हूँ लकड़ी काट रहे जिंदगी में कभी लकड़ी काटे नहीं रे इधर लाओ घास काटने वाले को लकड़ी काटने आता काका देखो बैठ के कैसा काटना लकड़ी अरे काका ये लकड़ी है क्या लोहा क्या है कि रे साल भर भी काटे तो ये कटने वाली नहीं है काका एक काम करो ये लो और ये बीड़ी लो बीड़ी सुलगाओ और सीधे घर चले जाओ काका काका धूप बहुत तेज है सीधा जल्दी घर को चले जाओ क्या ये लकड़ी कटे तो नहीं करता अरे अरे रुक रे ये तो बीड़ी दिया आग नहीं दिया अभी आग किससे बुझूं हाँ हाँ महाराज से पूछ ले तो महाराज ओ महाराज चली नहीं रोटी की डकार सूती हो थोड़ा पान लेके आना अभी लाई अरे क्या बेकार खाना पका दिया अरे दाल में ना नमक ना मिर्च अरे भिंडी की सब्जी अरे वो भी कोई सब्जी है ना 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 उसे तो कोई भी नहीं छेगा हाँ अजय सुनते हो ये लो पान हाँ क्या रसीला पान बना दी खाने के बारे में कुछ बोल रहे थे खाना अरे वाह 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 क्या खाना बनाती हो तुम अरे दाल में नमक और मिर्च तो बराबर था हाँ वो भिंडी की सब्जी कैसी बनी अरे वाह 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 वाह
पहले मैंने भिंडी की सब्जी कभी नहीं खाई ऐसी। हाँ रोटियां जले हुए थे। कौन बोला जले हुए थे? अरे रोटियां कितने नरम, बिल्कुल मक्खन की तरह बनाते हो तुम। महाराज, ओ महाराज। कौन जी वो पुकार रहा सो? अरे वो अपना दुखी चमार। दुखी चमार यहाँ क्या कर रहा तुम्हें? अरे उसका बेटी का शादी का मुहूर्त निकालना है। तुम ये कड़ी धूप में उसके घर को जाते? अरे नहीं नहीं नहीं, तो अपने घर में जो बड़ा लकड़ी का बोतला गिरा है ना बहुत दिन से, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बोला है। हाँ जिंदगी में पहली बार अक्कल मंदी का काम करे जी तुम। महाराज क्या है तो भी जी ने घर के अंदर आ गया। अरे क्या होना तेरे को, अंदर क्यों आ रहा, क्या होना तेरे को? महाराज पीड़ी पी तू महाराज, थोड़ा आग देना महाराज। पीड़ी पीता कहते आग देना थोड़ा उसको। अच्छा अभी आग देती हूँ, जरी देर के बाद भूख लग रही खाना देती हूँ, प्यास लग रही पानी देती हूँ, ये काम करते बैठती हूँ। ये पंडित का घर है क्या है? आग पूछो तो इतना हंगामा क्या क्यों कर? देखो जी ऐसा कहना कोई भी आता नहीं होता मेरे से, कुछ भी नहीं होता मेरे से। लोग झगड़ा नको करो महाराज, मैं आग नहीं पूछता महाराज, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा महाराज। ठीक है जल्दी लकड़ी काट महाराज, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। अरे हो जा तू, पहले तू लकड़ी तो काट। अजी जरा पूछो पूरे खाना खाया कि? अरे कुछ खाया नहीं खाया महाराज। अरे कुछ भी नहीं खाया कहते, थोड़ा देखना घर में कुछ तुम्हें बचा की चाहो। तुम खाने के बाद दो रोटियां बच गई जी, वो ना तो वो चाके दे दे। दो रोटियां? अरे दो रोटियां क्या बस होती उसको, कम से कम वो 10-12 रोटी तो खाएगा। दस बारह रोटियां मैं बेले ते नहीं बैठती, जब इस बोली मैं माइके जा रही बोल के। तू लकड़ी काट रहे, चलिए लकड़ी काट जाएंगे हम लोग। ठीक है महाराज। देखो मैं बड़ा आया मैं कहते इसको चंबर मैं पका के देना कहते रोटियां। चली माइके लकड़ी काटा। लकड़ी क्यों काटे काका? अरे मेरी बेटी का शादी का मुहूर्त निकालना है रे। ओ काका बेटी का शादी का मुहूर्त और लकड़ी काटने में क्या मतलब है काका? है रे बाबा एक काम नहीं करे तो ओपन तू मेरा बेटी का मुहूर्त नहीं निकालेगा। दक्षिणा तो देते ना। अरे दक्षिणा देना ऊपर से एक काम भी करना है। वाह 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 का क्या महान विचार है। ओ काका अगर तुम्हारे को कुछ भी हो गया तो परिवार को कौन संभालेगा? तेरे बेटी का शादी कौन करेगा? घर चले जाओ, घर चले जाओ, घर चले जाओ, खाना पीना और सो जाना। ए उठ, ए ए ए ए ए ए उठ उठ। ओ काका ए उठा उसको, उठा उसको। क्या काका सो गया क्या? ओ काका अरे काका जब मैं बीड़ी दिया गाड़ी नहीं दिया आपको। ए काका अरे बीड़ी गाड़ी छोड़ उठा उसको। हां उठाओ ना पंडित काका। ए काका उठो, ये लो बीड़ी भी लाया गाड़ी भी लाया, उठो काका। ओ काका काका ए काका अरे क्या सोते काका उठो थोड़ा काका काका काका
नहीं मर गया। नहीं मर गया पंडित, तुमने इसे मार दिया। नहीं कड़ी धूप में काम करवाया इसे। नहीं नहीं मैं काम वालों को बता दूंगा। सुनो पंडित के घर में लकड़ी काटते काटते मर गया। काकी काकी क्या हुआ बुधा? माँ है बुला बुला क्या हुआ बुधा? क्या काकी काकी वो काका लकड़ी काटे काटे क्या हुआ? मर गया काकी। बाजार में मुर्दे के नाम पे भीख मांगने लोग मुर्दे के नाम पे भीख देते हैं। यीशु और माधव दोनों थके हुए और भूखे हुए वो बैठकर दिन भर की कमाई गिन रहे। ₹455 बाबू इस पैसे से हमारा काम हो जाएगा। चलो कहा दुकान दुकान बंद हो जाएगा। कफन खरीदना ना। कफन कफन कहीं को रे? कफन कहीं को? ये हमारा दिन भर का कमाई है। कफन कहीं को? कफन तो जलकर राख हो जाएगा। बाबू कफन के लिए पैसे भीख मांगे ना, लोग क्या बोलेगा बाबू? क्या बोलेगा क्या बोलेगा? वो दोहरे का दुनिया का काले धंधा है। कोई कुछ बोल रहे हैं और अखिल के साथ धनलियां मना रहे हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं, देश के मंत्री लोग देश को लूट रहे हैं, बोल रहे हैं। सरकारी बाबू लोग दोनों हाथ से कमा रहे हैं, बोल रहे हैं। बाबू लोग बड़े लोग हैं, हम गरीब हैं। क्या बोलेगा? झूठे मक्कर बोलेगा ना। बोलने दे ना, बोलने दे, बोलने दे। जीने के लिए खाना नहीं देते, नौकरी नहीं देते, मगर मरने का बाद कफन के नाम पे भीख देते। भीख देते इसी पैसे से हम खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे मौज मस्ती करेंगे। तू लेके पूरी लेके आ, पूरी लेके। कितने साल हो गए पूरी खाके? कबाब लेके जल्दी जा। सुन, और नीलमणि का दुकान है ना, नीलमणि का दुकान से एक बिलाई जल्दी जा 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 जा। ए जल्दी करो रे, जल्दी करो, दौड़ाने का टाइम वाला जल्दी। अरे वो टेबल हटा, बाजू हटा, टेबल इधर बाजू। हाँ जल्दी कर रे, दौड़ाने का टाइम हो रहा। नीलमणि ओ नीलमणि आगे क्या दौड़ा दौड़ा रहे? सब तैयार है ना? हाँ एकदम तैयार। अरे नीलमणि कैसे हो? देख मेरे को पार्टी का टिकट मिल गया। अरे क्या दोरा, पार्टी का टिकट क्या? आप तो चुनाव में जीत गए समझो। अरे जीत गए तो तुम्हारा ये छोटा सा पार्क में बड़ा रिसोर्ट बना दूंगा। इसी तरह आपका हाथ हमारे सिर पे रहता हूँ। जरूर जरूर रहेगा। देख आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चा को भी खुश कर दिया। आप बेफिक्र रहो दोरा, तो बंदोबस्त हो गया, धूमधाम से चलेगा। मेरा मजा सड़क पार। वो भी
सड़क पर माल भी तैयार है दोरा। कितने दिन के बाद रे माधो, बहुत दिनों के बाद। कफन के पैसे से दारू पी रहे और कबाब करे तेरे को क्या होना मान रहा है काका? कबाब होना काका, कबाब होना है ना काका। जिंदा लोग नंगा फिरता है, मुर्दे के लिए कफन कहीं को कफन कहीं को। चलो बाबू घर जाएंगे बाबू। जाएंगे, चल घर जाएंगे। घर में तेरी जोरू क्या के लिए है ना? चल जाएंगे। चलो बाबू घर जाएंगे। चल बाबू। माधो तेरी जरूर सचमुच लक्ष्मी थी रे। जब जिंदा थी लोगों के घर में काम करके हमको खिलाती थी, और देख मरने का वक्त उसी के नाम पे अब दारू पी रहे हैं, कबाब कर रहे हैं। चल घर जाएंगे। बाबू अरे सरफ है बाबू, सरफ है। हाँ तुम भी खाएंगे, कबाब खाएंगे। देखूंगा मैं तेरे को।
चल चल काका। हाँ? तुम दोनों इतने देर कहाँ थे? दौरा आके क्रियाक्रम का सामान देके गया और ये 500 रुपया देके गया। ये पैसे सर कल दिया होते तो शायद तो जान ही बच जाती थी। अपन जैसे जिंदा लोगों का मुंह देखना आप सबको नहीं, मुर्दे का मुंह देखना सुख होता है। तो मालिक मालिक आप उन जैसे लोगों को जिंदा क्यों रखते रहे? हाँ क्यों रखते हो काका? चलो काका देर हो रहा है काका। चलो सब भोगिया देह दरे को दंड तंदाना ताने तंदाना।